मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, आपकी मैंने बात सुन ली। चाइनीज एप्लीकेशन को हमने पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब आप लोग टिकटॉक नहीं चला सकते, शेयर इट से ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैम स्कैनर से स्कैन नहीं कर सकते और बहुत सारा चीज़ आप नहीं कर सकते। तो कैरी बताओ कैसा लगा? तो कैसे हैं आप लोग? मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मैं तो यही बोलूँगा बस, वाह मोदी जी वाह। टिकटॉक वालों की तो आपने लगा के रखी यहाँ पे। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यही जो बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बैन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इन 59 एप्लीकेशन जो है चाइनीज़, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया है। फिलहाल अभी तक यहाँ पे टिकटॉक ही प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है, बाकी सब एप्लीकेशन अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और टिकटॉक और शेयरइट दोनों ही बोल सकते, टिकटॉक की बात करते हैं स्पेशली, टिकटॉक अभी भी जिसके स्मार्टफोन पे है वो जहाँ पे चल रहा है इजीली तरीके से, यानी कि जो भी इंस्टॉल किया है वहाँ पे उसका टिकटॉक काम कर रहा है। अभी तक ऐसा सर्वर से पूरा तरीके से उड़ाया गया नहीं है, खाली प्ले स्टोर ऐप स्टोर से रिमूव किया गया, बट अभी भी यहाँ पे जिसके फ़ोन में है वो चल रहा है। थोड़े ही देर में यहाँ पे उसे भी यहाँ पे वो इनएक्टिव या फिर उसको निकाल दिया जाएगा, उसको मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आईपी एड्रेस से यहाँ पे टोटली तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। अब जिसको उंगली है वो वीपीएन करके यूज़ कर सकता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सब तरीके से निकाल दिया गया है। तो मैं आज की वीडियो में अल्टरनेट बताऊँगा कि किस तरीके से आप अगर आप लोग को एडिक्ट हो गए थे, क्योंकि हम सबको यार आदत तो हो ही गया था बहुत सारे एप्लीकेशन को डे टू डे लाइफ यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कर देना। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 59 चाइनीज एप्लीकेशन को टोटली तरीके से बैन कर दिया गया था। पबजी अभी भी नहीं है, बिकॉज पबजी की तरफ से यह आया गया कि पबजी का अभी तक कोई ऐसा कुछ बोल सकते कि लीक नहीं हुआ है कि पबजी ने किसी का यहाँ पे बोल सकते कि डेटा चुरा के चाइनीज़ गवर्नमेंट को दिया हो, चाइनीज़ मतलब वहाँ के कंपनीज़ को दिया हो। पबजी में ऐसा कुछ सिक्योरिटी इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऐसा पबजी का भी ऑफिशियल बयान आया है कि हम यहाँ पे कोई डेटा ब्रीच नहीं करते हैं, हम जिसका है डेटा उसको टोटली तरीके से सेफली तरीके से रखते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को रिमूव करने का कारण देखो, मैं जो भी कारण रहे, बॉर्डर्स का बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स टेंशन था, ये था वो था, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, जो मतलब जो बोल सकते हैं फ्रेंड्स प्रेस रिलीज निकाला गया, उसमें ये बताया गया कि डेटा ब्रीच के कारण ये सारे एप्लीकेशन को टोटली तरीके से बैन किया गया, जिसमें से मैक्सिमम जो बोल सकते पॉपुलर था टिकटॉक है, फिर उसके बाद शेयरइट है, यूसी ब्राउज़र यहाँ पे बोल सकते हैं, कैम स्कैनर है, फिर डी यू एक बोल सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन रिकॉर्डर है, और उसके बाद वीगो बीगो वीमेट ब्ला फलाना ठिकाना, बहुत सारे एप्लीकेशन आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने एप्लीकेशन को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अल्टरनेट क्या है? टिकटॉक का अल्टरनेट तो छोड़ दो, क्योंकि टिकटॉक का अल्टरनेट की क्या बात करें, वो खाई सड़ेला भंगार एप्लीकेशन है वहाँ पे, उसका हम अल्टरनेट की बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अल्टरनेट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि शेयरइट। अब हम शेयरइट के जगह पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफ़र, वीडियो ये मतलब वीडियोस ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो, ये सारे उसके कुछ यहाँ पे अल्टरनेट्स निकल के आते हैं, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करूँ यहाँ पे यूसी ब्राउज़र, तो यूसी ब्राउज़र की जगह पे आप ओपेरा मिनी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ओपेरा मिनी में आपको डाउनलोडिंग भी अच्छा खासा मिल जाएगा, और क्रोम में उतना डाउनलोडिंग अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि क्रोम का ब्राउजिंग स्पीड के लिए बहुत ही अच्छा है, क्रोम जाना ही जाता है ब्राउजिंग के लिए, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग उतना अच्छा नहीं मिलता, बट ओपेरा मिनी आप डाउनलोड कर लीजिए तो ओपेरा मिनी में आपको डाउनलोडिंग भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उसके साथ बात करें यहाँ पे जूम एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही हिट रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो जूम की जगह पे आप गूगल मीट, स्काइप और एक नमस्ते करके एप्लीकेशन है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो कॉलिंग करना है। उसके साथ साथ कैम स्कैनर की बात करूँ तो गूगल्स का भी स्कैनर आता है यहाँ पे, तो कैम स्कैनर की जगह पे गूगल स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया, देख लीजिए यूसी ब्राउज़र हो गया, फिर कैम स्कैनर की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, और भी देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन, उसके अल्टरनेटिव थोड़े ही दिन में निकल जाएंगे फ्रेंड्स। आप लोग कोई भी टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि यहाँ पे यार हम एडिक्ट हो गए थे, अब उसका अल्टरनेटिव उसी तरीके से आने में टाइम लगेगा, बट कोई टाइम नहीं लगेगा। इंडियन डेवलपर्स अभी बहुत ही रश में, क्योंकि सबको पता है कि ये टाइम है यहाँ पे उनका, अगर वो अच्छा एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहने वाला है यहाँ पे। तो यही है मेरा बताने का यही मकसद था कि जितना भी आप चाइनीज़ एप्लीकेशन थे उनको
को यहाँ पे आप लोगों को अब क्या करना है, अब हट तो गया ही है बेसिकली, अब आपको नए एप्लीकेशन की ओर आपको बढ़ना है, उसे यहाँ पे आपका प्राइमरी एप्लीकेशन यहाँ पे बनाना है जो कि इंडियन बेस्ड ही रहना चाहिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। ये मत सोचिए कि चाइनीज़ के अलावा भी कंपनी है तो उनको हमें यूज़ करना चाहिए, ये सोचिए कि जितना ज़्यादा हम इंडियन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो उतना हमको आगे बचा, क्योंकि फिर क्या पता आके जाके दूसरे कंट्री से कुछ हो तो वहाँ पे उनका एप्लीकेशन बैन हो, तो इंडियन एप्लीकेशन जितना ज़्यादा उससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वही यूज़ कर लिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छा यहाँ पे देखने को मिले। तो यही है 59 एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का यहाँ पे फ्रेंड्स जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, उसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने वाले हैं, बस थोड़े दिन आपको और वेट करना है, थोड़े दिन प्रॉब्लम होगा बहुत सारे लोगों को क्योंकि जो एडिक्ट हो गए थे, मतलब मैं भी खुद एडिक्ट था बहुत सारे एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे उससे यहाँ पे हटाना एकाएक तो प्रॉब्लम होता है, बट हम इंडियन गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव उसको एक्सेप्ट करेंगे और नए एप्लीकेशन की ओर हम बढ़ेंगे, अब उसे हम अपना एक बोल सकते फ्रेंड्स डेडिकेटेड ऐप उसको ही हम बना देंगे। यही फ्रेंड्स 59 एप्लीकेशन। मित्रों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी जी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने टेक यूट्यूब चैनल के साथ। बोलती जय हिंद, पीस आउट।